ये आपको पता है कि हमारा जो नेहरू युवा केंद्र जो है, इसका मेन मोटो है कि यूथ को कैसे प्लेटफॉर्म दिया जाए कि सोशल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए हमने यहाँ आज इनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मधु किया था कि वो अपने स्कीम्स बताएं कि हॉर्टिकल्चर था, रूरल डेवलपमेंट था, अपना सिलीकल्चर था, एग्रीकल्चर था, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने अपनी स्कीम्स इनको मतलब बताए और इनको आगाही दी। क्योंकि ये जो इलाका है, ये ST इलाका है यहाँ पे, यहाँ के आपको पता है कि ये लोग पिछले हुए लोग हैं, इन्हीं को थोड़ा बहुत बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ पे ये कार्यक्रम किया है। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मकसद अत मज कि वो ये लीन सीजन लीन सीजन मतलब गास दानी आसे गास आसे काम ग्रीस बॉयस अमिस सारे काम पन्ने अंद वात पमिस बेकारी टाइम अत मे रोजगार जरिया नजर तल कह वह अत मे बह कर टाइम अम खु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमिस थोमुत प्रोग्राम सोन सपोर्टिंग प्रोग्राम ये पन काम दोह पासिल हेकान कर अत मेस गवर्नमेंट एनशोर कर हथ दो काम दोह यम हथ दोह बनान यकीनी एक्ट एम जी नरेगा एक्ट यह कानून अमिस पन हथ दोह मिलान हथन दोहन अकिस हाउस होल्डस वत पोत जरूरत कह क्रासिंग जरूरत लकुट कदलम ट्रैक्टरस लच्छ रोपये दिवान सब्सिडी सोन डिपार्टमेंट तमें मजीद गो अगर बागस मंसा आब सहूलियत कें तथा दिवान हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बोरवेल तथ वन तथ पे तथ आज लैंड होल्डिंग दमो तय लैंड होल्डिंग पे आर्चारिस्ट तम से सोन मुलाजिम बराबर कम्प्लीट मेरे ये दो बेटे हैं मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जब हम आते थे वो बात करते थे शाम को कहते हैं पापा आप कहाँ पर हो कहीं ऐसा बन जावे मेरा रहमत के दरिया तो हर वक्त चलते हैं अल्लाह ताला तो रहमत बरसाता है लेकिन हमें पकड़ना नहीं आता है एक कतरा भी नहीं हमारे नसीब में है क्यों हम सुबह जब उठते हैं हम यही सोच लेके उठते हैं भाई उसका नुकसान करेंगे उसको भगाएंगे उसका उसका दरख्त। मेरा नाम गुलाम हसन कालस है मैं हल्का यूनिट बी मोहरा का सरपंच हूँ। आज जो नेहरू युवा केंद्र अनंतनाग और यूथ का जो प्रोग्राम मनाया गया सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी हुई कि ये प्रोग्राम यहाँ हुआ और यहाँ कुछ महकमों के मुलाजिम भी आए उन्होंने अपने अपनी स्कीम में जैसे कि हॉर्टिकल्चर आया सीरीकल्चर आया और सोशल वेलफेयर की भी कुछ मुलाजिम आए रूरल डेवलपमेंट की तरफ से भी मतलब BDO साहब खुद आए जो इंचार्ज थे यहाँ के और हर किसी डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी स्कीमों के बारे में लोगों को समझाया कि किस डिपार्टमेंट से कौन सी स्कीमें हैं जिनसे आप लाभ उठा सकते हो और जिनसे आपका रोज़गार बढ़ेगा और आपकी बेरोज़गारी दूर होगी। सबसे पहले अगर मैं मसाइल की बात करूं तो धीरे धीरे सरकार अच्छा काम हमारे लिए कर रही है। अगर मैं पहली बात करूँ कि हमारे गाँव में एक मिडिल स्कूल है जिसमें तकरीबन बच्चों की तादाद 215 के करीब है तो हम चाहते हैं कि अगर वो स्कूल अपग्रेड हो जाए तो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल हो जाए तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात सर यहाँ के लोग जो हैं इन ये माल मवेशी से के साथ ज़्यादा काम करते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ अगर एक वेटरनरी सेंटर हो जाए और दूसरा अगर शीप की तरफ से भी BDD की तरफ से अगर हमारे इस हलके में तकरीबन मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि 70 खंभे यानी कि 70 पोल और तार आ जाएं तो इंशाल्लाह PDD की तरफ से जितनी भी परेशानियाँ हमारी ये दूर हो जाएंगी। दूसरी जो अभी यहाँ के यूथों ने बात की है कि हमें ग्राउंड चाहिए सर यहाँ स्टेट लैंड है लेकिन उसमें लोगों ने जो अखरोट के पेड़ लगाए हैं मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपके वजह से मैं DC साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वो हमारा इसमें साथ दें कि मतलब वो स्टेट लैंड है और बच्चों के लिए बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनेगा और बच्चे खेलना शुरू। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम अल्ताफ हुसैन चौहान है और हम मोहरा के रहने वाले हैं। तो हमारे जो मेरा जो यूथ का मसला है मतलब हम सबका ये मसला है कि हमें ग्राउंड चाहिए था क्रिकेट के लिए और साथ में अगर उसके साथ हमारी जो ज़मीन है मतलब वो भी उसके लिए हमने या की हुई है तो हमें ग्राउंड चाहिए और उसके साथ साथ जो बाकी हमारी दिक्कतें हैं वो भी अगर दूर हो जाएं तो जी DC साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ग्राउंड मिल जाए और साथ में जो हमें क्रिकेट का बाकी जो सामान है वो भी दिया जाए और बाकी जो हमारे मतलब यूथ की प्रॉब्लम्स है
मतलब कि बेरोज़गारी के उसमें भी अगर कुछ हो जाए तो बहुत शुक्रगुजार हैं। जनाब मेरा नाम बशीर अहमद चौहान नंबरदार मोवरा है। हमारे तो बहुत मसाइल हैं क्योंकि हम एसटी तबके से गुजर तबके से तलक रखते हैं, तो यहाँ जो हमारे नौजवान हैं वो बेकार हैं, कोई स्कीम नहीं। आज जो आपने यहाँ सूफी साहब आए और बाकी आए आप साहब आए यहाँ, तो आपकी वसात से जो आपने स्कीमों के बारे में हमें जानकारी दी है, तो हम इस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी रहे मसाइल, ये एक अनार और 100 बीमार वाली बात है कि आप मेहरबानी करके देखें, यहाँ हमें वेटनरी सेंटर कोई नहीं है क्योंकि हम माल मवेशी का काम करते हैं और हमारे बच्चों को ग्राउंड नहीं है, तो ये यूथ के जो बच्चे हैं तो इस वक्त ये तरस रहे हैं क्योंकि ये भी एक ज़िंदगी रखते हैं मगर इनको कोई ग्राउंड नहीं दिया गया है। तो बाकी रहा यहाँ के जो हमारे ये मसाइल हैं कि हमारी लड़कियां, हमारी जो बच्चियां हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। अगर यहाँ जिस तरह सूफी साहब ने नेहरू जो वाह केंद्र अनंतनाग के वसात से एक स्कीम निकाली है, अगर इसी तरह ये स्कीमें यहाँ चालू रहेंगी तो ये हमारी ये जो बच्चियाँ हैं ये अपने हाथ से मशीन चला सकेंगी, अपने हाथ से फीते का काम कर सकेंगी, अपने हाथ से कालीन बना सकेंगी। ऐसी ही स्कीम अगर चालू हो जाए, मैं डीसी साहब से, मैं यहाँ के गवर्नमेंट से, एडमिशन से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि इस यूथ को ऊपर उठाया जाए और इनको बेकारी से बचाया जाए और इनको अपने कामों में मसरूफ़ किया जाए। बाकी ये आपको पता है कि हमारा जो नेहरू युवा केंद्र जो है इसका मेन मोटो है कि यूथ को कैसे प्लेटफॉर्म दिया जाए कि सोशल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हमने यहाँ आज इनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मधु किया था कि वो अपने स्कीम्स बताएं कि हॉर्टिकल्चर था, रूरल डेवलपमेंट था, अपना सिलीकल्चर था, एग्रीकल्चर था और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने अपनी स्कीम्स इनको मतलब बताए और इनको आगाही दी, क्योंकि ये जो इलाका है ये एसटी इलाका है, यहाँ पे यहाँ के आपको पता है कि ये लोग पिछले हुए लोग हैं, इन्हीं को थोड़ा बहुत बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ पे ये कार्यक्रम किया है। मेरी यूथ से यही गुजारिश रहेगी कि वो अच्छे तरीके से, जैसे अभी वहाँ पे बात हुई कि हमारा ग्राउंड नहीं है, इनको ग्राउंड दिलाने के लिए मैं डी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, इवन मैं डायरेक्टर सपोर्ट से भी ये गुजारिश करूँ, यहाँ पे हमारी स्टेट लैंड है, इन लोगों के मुताबिक हमारे सरपंच साहब कह रहे हैं कि उसी को अब अच्छा तरीके से बनाने के लिए ये चाहते हैं, और यूथ से मेरी यही गुजारिश रहे कि वो अच्छे तरीके से आएँ, मतलब अमन शांति के लिए काम करें और अपने आप को और अपने कौम को दरकार आएँ।